हेलो जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबके उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं फाइन शाइन हैं फिट हॉट हैं तो जनाब आपको मैंने डिटेल तो पहले बता दिया कि मैं क्या कर रही हूँ और यहाँ पर बस मैं मसाले ऐड कर रही थी आ, मैं बना रही थी चिकन चना पुलाव अब्दुल रहीम की फरमाइश पर तो वो कह रहे थे कि आज ज़्यादा कुछ ना बनाओ बस मुझे ना खाना खाना है तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ फिर अब्दुलिम ने कहा कि चना चिकन पुलाव बना लो तो फिर मैंने सोचा कि चने भी उबले पड़े हैं चिकन भी फ्रिज में पड़ा है चावल भी घर में है तो फ़ौर से बना लेते हैं तो बस फिर मैं आई थी किचन में और बुजुर्ग को थोड़ी देर सुला कर तो बस उसी की पुलाव की तैयारी चल रही थी और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा जनाब बिरयानी मसाला ऐड किया है ताकि ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाए और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी धनिया पाउडर ऐड किया था नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें जितना करना चाहें तो उसके अलावा मैंने इसमें साबुत काले मिर्चें ऐड की थी ज़ीरा ऐड किया था बस हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था ना लाल मिर्चें दूसरी वाली नहीं डाली थी पाउडर वाली कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी आ, मैंने एक गिलास चावल लिए थे तो फिर मैंने जो पानी है वो दो गिलास डाल दिया था तो बस जब पानी को आ जाएगा हल्का सा बॉयल तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे और फिर चावल को थोड़ी देर पका के तो फिर उनको दम लगा देंगे तो हमारा जनाब ज़बरदस्त सा जो है ना वो रेडी हो जाएगा तो जब मैं चावल डालने लगी थी तो मुझे जो है कमरे से आवाज़ आ गई थी बुज़ुर्ग के रोने की तो इसका मतलब था कि वो उठ गया फिर मैं पहले कमरे में गई उसको उठा के लेके आई तो फिर मैंने वापस आकर तो चावल जो है वो डाले थे तो अभी मैंने उसको उठाया हुआ था एक हाथ से और एक हाथ से मैं चावल डाल रही थी तो उसे मैं नीचे खड़ा कर रही थी लेकिन सोकर उठा था तो थोड़े मूड में था तो उतर ही नहीं रहा था गोदी से मैंने घर में पकोड़े वगैरह भी बना लिए थे फिर रहीम जब वापस आए तो वो समोसे और रोल भी ले आए थे फिर मैंने कहा जब इंसान का दिल हो ना कि आज बस खाना खाना है खाने पे हमारा फोकस होगा उस दिन जो है ना ज़्यादा कहीं ना कहीं से या तो अफ्तारी आ जाती है तो यहाँ फिर कोई ना कोई घर में से कुछ बाहर से ले आते हैं तो आज भी ऐसे हुआ था मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ जो है ना आज खाना खाऊंगी पकोड़े समोसे चाट इस तरह की कोई चीज़ नहीं मैंने खानी लेकिन फिर जब इंसान देखता है ना फिर रहा नहीं जाता क्योंकि रोज़ा रख के ना जब इंसान अवतार करता ना फिर उसको दिल करता है कि वो चटपटी चीज़ें खाए तो फिर मेरे साथ भी यही हुआ था फिर मैंने चावल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं खाए थे फिर बाद में खाए थे लेकिन फिर मेरा जो फ़ोकस है ना वो समोसे पकौड़े और यही चीज़ें हो गई थी तो जनाब यहाँ पर मैंने चावलों को दम लगाया तकरीबन दस मिनट तो हो ही गए थे तो अब मैं बस चावल चेक करने लगी थी और अब को मैंने जो है ना ज़बरदस्ती नीचे खड़ा किया था और वो रो रहा था बस फिर ऐसे ही होता है कभी कभी ना बहुत ज़्यादा करेंकी सा बन जाता है और चिपकू सा बन जाता है तो यहाँ पर मेरे चावल देखिए माशाल्लाह तैयार हो गए हैं और अच्छे बन गए थे माशाल्लाह खाने में भी मज़े के लग रहे थे और लग क्या रहे थे बल्कि मज़े के ही थे और शक्ल से भी अच्छे थे तो मतलब सूरत सीरत दोनों इसकी अच्छी थी तो बन जल्दी जाते हैं पुलाओ बड़ी जल्दी बन जाता है मेहनत भी कम होती है और फटाफट से तैयार हो जाता है बिरयानी पे आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है पहले मसाला रेडी करो चावल बॉयल करो और फिर उसको दम लगाओ ये बस झटपट से तैयार हो जाता है पुलाव तो बस यहाँ पर मैं तैयार करने लगी थी पकौड़ों का मिक्सचर बेसन में थोड़े से आलू काट लूँगी पालक काट लूँगी और फिर मिर्ची ऐड कर लूँगी कुटी हुई लाल मिर्च नमक थोड़ा सा ज़ीरा अजवाइन अजवाइन मेरी नज़रों के सामने से कहीं उजल हो गई थी मुझे मिल नहीं रही थी तो बाकी इसके अलावा मैं इसमें जनाब अंडा भी ऐड करती हूँ बेसन में ना तो बड़े मज़े के पकोड़े बन जाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से और मज़ेदार Uh, अगर आपको क्रंची क्रंची पसंद है तो आप ना डालें वैसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता डाल के।, के मतलब अगर क्रंची करने हैं तो आप थोड़ी देर ज़्यादा उनको पका लें तो वो खुद बहुत ही क्रंची हो जाते हैं बेसन मैं थोड़ा लेती हूँ उसमें जो चीज़ें हैं ना वो मैं ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ जैसे कि प्याज़ टमाटर नहीं सॉरी टमाटर नहीं नो 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 नो, नो पकौड़ों में टमाटर नहीं जैसे कि प्याज़ आलू पालक ये चीज़ें ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ तो बेसन थोड़ा रखती हूँ क्योंकि ज़्यादा बेसन वाले पकौड़े ना वो खाए नहीं जाते तो इस तरह से जो बनते हैं ना कम बेसन वाले वो ज़रा मज़े के भी लगते हैं और अच्छे भी बनते हैं और खाने का मज़ा भी आता है और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना चिकन पाउडर भी ऐड कर लेती हूँ आपकी मर्ज़ी आप डालना चाहें तो डाल लें नहीं डालना चाहें तो ना डालें अपने पकौड़े हैं अपने ही खाने हैं जो दिल करता है डालें जो दिल करता है नहीं डालें कौन सा किसी ने बाहर से आके खाने हैं हमने खुद ही तो खाने होते हैं इसलिए मेरा तो जो दिल करता है मैं डाल लेती हूँ लेकिन शुक्र है लगा डालती वही चीज़ें हों जिनसे टेस्ट बढ़ जाए ये ना हो कि मैं चपले मार के कुछ ना कुछ डाल दूँ और वो खाने वाले ही ना रहे इस तरह की चबले नहीं मारती और दूसरी तरफ जनाब मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं उनका मैंने क्या करना है वो भी मैं आपको ना आगे चल कर बताती हूँ बाकी जनाब आप सब बताएं आपको अफ्तारी में सबसे ज़्यादा क्या मज़े का लगता है क्या बनाना अच्छा लगता है अगर कोई आप लोगों के पास न्यू रेसिपी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं भी जो है ना थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ बनाऊँ और फिर अब्दुल रहीम उस न्यू रेसिपी से मेरी तरीफ़ करें मेरी वाह वाह हो जाए फिर उसका क्रेडिट मैं आप लोगों को दूं लेकिन घूम फिर के ना बात वही आ जाती है पकोड़ों के बग़ैर अफतारी नामकमल लगती है आप जितनी मर्जी न्यू डिश बना लें जो मर्ज़ी अनोखी चीज़ ले आए लेकिन जहाँ पर पकौड़े नज़र नहीं ना आएंगे आपको फीलिंग वो वाली नहीं आएंगी कि अफतारी है दावत की फीलिंग्स आ जा जाएंगी लेकिन अफ्तारी की फीलिंग नहीं आएगी पकोड़े के बगैर <laughs> ये मुसलमानों ने ख़ुद जान बूझ कर अपने ऊपर फ़र्ज़ किए हैं चले हैं कोई बात नहीं आगे वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं गर्मियों में किसने पकौड़े इतने खाने हैं बस ये तो अल्लाह का बड़ा करम है अल्लाह ने बड़ा जो ना हम पर रहम किया है कि इस दफ़ा रोज़े हमारे बहुत ही ठंडे हो गए मौसम इतना ज़बरदस्त जा रहा है ना रमज़ान में जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ डेली रात को बारिश आ जाती है बारिश ना आए तो ठंडी हवाएं चल रही हैं बस अल्लाह ताली का बड़ा शुक्र है बड़ा करम है अल्लाह ताला का हम पे बाकी यार आप सब देख लें कितनी गलत बात है ना मेरे तीन सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं ये जिसने भी चवल मारी है ना बहुत गंदी बात है ऐसे नहीं करना चाहिए आपको अगर आपने किसी का चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसको अनसब्सक्राइब करने वाली कौन सी बात है अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती तो फिर आप पहले ही मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया करें समझ में आ रही है ना मेरी बात क्योंकि जब हमारा एक भी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ होता है ना हमें बहुत खुशी होती है और जब ड्रॉप होते हैं ना फिर उतना ही दुख भी होता है लेकिन खैर कोई बात नहीं अगर किसी ने अनसब्सक्राइब कर भी दिया है उसकी अपनी मर्ज़ी हम किसी को ज़बरदस्ती थोड़ा कह सकते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ऐसा नहीं होता होता बस मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं कहूँ क्या है इन अनसब्सक्राइब करने वालों को खैर छोड़ें दुनिया में ऐसे लोग भी मिल ही जाते हैं जिनके साथ हमें इख्तलाफ होते हैं तो खैर ये उनकी अपनी मर्ज़ी है इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को बाकी इनशाला एक ना एक दिन इतने सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे हमारे बल्कि मेरे से जुड़े हर उस शख्स के जो मेरी तरह आजकल न्यू यूट्यूबर बना हुआ है तो इतने मैं कह रही थी कि इन हमारे सब्सक्राइबर हो ही जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चला करेगा ये दो चार हमें जो अनसब्सक्राइब करके जाते हैं ना हमें फील ही नहीं हुआ करेंगे इन अल्लाह ताला मुझ समेत मेरी सब न्यू जो सिस्टर्स हैं यहाँ पे यूट्यूब पे अल्लाह ताली उन सब को कामयाबी दे सब के चैनल अल्लाह ताली ग्रो करे सब जिस भी मकसद से अपना चैनल बना कर बैठे हुए हैं अल्लाह ताली उन सब को उस मकसद में कामयाब करे और सब के जल्द अज जल्द जो सब्सक्राइबर्स हैं वॉज टाइम हैं वो कंप्लीट हो जाए इन आमीन आमिन सुन बाक़ी जनाब खुश रहें दूसरों को भी खुश रहने दें दूसरों की भी खुशी का ख्याल रखें और अपने से जुड़े हर इंसान का ख्याल करें अपनी जो ज़ुबान है इसको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में कर लें ताकि हमारी जो ज़ुबान है ना इससे जो हम दूसरों की दिलजारी करते हैं ना वो ना हो सके आजकल तो वैसे भी रमज़ान जो है वो शुरू हुआ हुआ है तो शैतान तो जो है वो बंद है लेकिन जो हमारा नफ्स है न असल शैतान जो हमें ज़्यादा तंग करता है तो इसको भी थोड़ा सा हम अपने कंट्रोल में कर लें क्योंकि दूसरे शैतान को तो अल्लाह ताली ने बंद किया हुआ है नफ़्स हमारे अपने काबू में है तो इसको हमने खुद कंट्रोल करना है इसको हमने खुद अपने काबू में करना है तो बस अल्लाह तला हमें हिम्मत दे कि हम अपने नफ्स पर जो है वो काबू पा लें क्योंकि ये जो नफ्स है ना ये भी हमसे वो सब कुछ करवा लेता है जो हम नहीं करना चाहते और जिससे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बार बहुत सी जगह पर बहुत से लोगों के सामने शर्मिंदा होते हैं तो बस अल्लाह ताला हमें अपने सामने शर्मिंदा होने से बचाए और हमें उस तरह से बना दे जिस तरह से वो हमें देखना चाहता है तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की और आखरत की दोनों की भलाइयाँ नसीब करें और हम एक अच्छे इंसान ज़रूर बन जाए कुछ और बने ना बने क्योंकि आजकल के दौर में ये जो वक्त जा रहा है ये जो इतना मुश्किल टाइम है जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है ना समझे उतनी ज़्यादा हम मुश्किल में फंस गए हैं उतना हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और हमें कुछ समझ नहीं आती उतनी ही ज़्यादा बीमारियाँ आ गई हैं जिनके इलाज नहीं मिलते तो बस अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हमें सीधी राह पे रखे और सबसे ज़्यादा और सबसे मुश्किल जो टफ़ टास्क है ना इस वक्त पे वो एक अच्छा इंसान बनना है तो बस अल्लाह ताला हमें एक अच्छा इंसान बना दे बाकी जब हम अच्छा इंसान बन जाएंगे ना तो अच्छे मुसलमान अच्छे जो है माँ अच्छी बेटी अच्छी बहन अच्छी बहू खुद ब खुद सब इंसान बन जाता है बाकी जनाब आपने देख ही लिया होगा कि मैं बातों में भूली गई मैंने आपको बताना था कि मैंने उबले हुए अंडों का करना क्या है वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं क्या कर रही थी उनको पीसीज में कट करके तो ब्रेड के ऊपर लगा के फिर उसको जो मैंने बेसन पकौड़ों वाला बचा कर रखा हुआ था उसको ब्रेड और अंडे को लगा के आपस में अटैच कर लिया था ताकि ये जुड़ जाएं और फिर उनको फ्राई कर लिया था और ये बड़े मज़े के बनते हैं इसका नाम क्या है इस रेसिपी को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं आता बस पहले मामा बनाती थी और अब मैं बनाती हूँ आप इसको अंडा ब्रेड वाला जो है ना पकौड़ा कह सकते हैं <laughs> देसी जुबान में बाकी जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो तो जनाब मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें हमें अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें ओके जी टाटा बाय बाय एंड